भारत के रक्षा मंत्री और देश के वीर जवानों की ये तस्वीरें वाकई हर भारतीय को भावुक कर देने वाली हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन बेस कैंप में युद्ध स्मारक पर बहादुरों को पुष्पांजलि अर्पित की। अपने घर परिवार से दूर ना कोई शौक ना कोई मांग, बस भारत माता की सेवा में तत्पर रहने वाले जवान आज रक्षा मंत्री से मिलकर भाव विभोर हो गए। इस दौरान एक दृश्य बेहद खूबसूरत था, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के जवानों से मुलाकात कर देशभक्ति के नारे लगाए। सियाचिन की पहाड़ियों पर भारत माता की जय की गूंज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। इस बीच सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों के साथ बातचीत करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूँ। आप भले ही मुझे रक्षा मंत्री के रूप में देख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ अपने परिवार वालों से मिलने आया हूँ। भारतीय सेना इच्छा शक्ति और साहस का दूसरा नाम है। आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रगों में रक्त का नया संचार होने लगा हो। मैं भारत के सभी परिवारों के प्रेम का रंग लिए आपके बीच आया हूं। आप भले ही मुझे एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां देख रहे होंगे, लेकिन मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि आपके स्वजन के रूप में अपने परिवार वालों से यहां मिलने आया हूं। साथियों, आप लोगों के फौलादी और बुलंद हौसलों के घेरों के बीच हमारा पूरा देश खुद को पूरी तरह से महफूज पाता है। हमारे देश की एक लंबी सीमा है और इन सीमावर्ती क्षेत्रों से कभी कभार चिंताजनक खबरें भी आती रहती हैं। इन खबरों के बावजूद आपको मालूम है कि आपका देश एक खुशहाली भरी जिंदगी जी रहा है और लगातार भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्कूल हों या अस्पताल, मंदिर मस्जिद हों या कारखाने, ऑफिस दफ्तर हों या दुकान, सब अपनी अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं, मस्त हैं, क्योंकि सीमा पर आप जैसे बहादुर जवान मुस्तैद हैं। साथियों, आज आपके बीच आकर मैं जो महसूस कर रहा हूं वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। भारतीय सेना इच्छा शक्ति और साहस का मैं मानता हूं कि यह दूसरा नाम है। आपके बीच आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे रगों में रक्त की नई धारा का संचार होने लगा है। साथियों, आप जिस ऊंचाई पर खड़े होकर इतनी विषम परिस्थिति में देश की सेवा करते हैं वह अनपैरेलल है, वह अतुलनीय है।